थोड़ा सा मुँह निकाल के बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, काफ़ी धीरे धीरे। तबीयत तो जो अभी तत्काल हम जो देखे वो काफी खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ गरिमा भारती। शनिवार यानी कि लालू यादव से रिम्स में आज मुलाकात का दिन है, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। लालू यादव अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ये बात बताई है बेलागंज से राजद के विधायक सुरेंद्र यादव ने, जो कि मुलाकात करने लालू यादव से पहुंचे थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के हर विषय के लिए भारतीय भवन का नया उपहार, दो वॉल्यूम में परीक्षा के नए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रिटन पास ऑल इन वन गेज पेपर, तो दिए अपनी परीक्षा की तैयारी को नई रफ्तार रिटन पास गेज पेपर के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी काफ़ी अस्वस्थ हैं और उनकी पुत्री रोहिणी सिंगापुर से अस्वस्थ जब सूचना मिला तो भी आई है मिलने के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता, विधायक, नेता, अध्यक्ष सारे लोग यहाँ आए थे, अस्वस्थ हो गए एक आए। और हम अनुरोध करेंगे न्यायालय से कि जो अस्वस्थ हैं ये देखते हुए उन पर पूरा कंसीडर करें, हमारा ये अनुरोध होगा, क्योंकि काफ़ी उम्र हो गया लालू प्रसाद जी का, और लालू प्रसाद जी उम्र देखते हुए और अस्वस्थ देखते हुए थोड़ा उन पर कंसीडर करना अनिवार्य है। और राजनीति के बात इसलिए नहीं हो पाई वहाँ पर पूरा, चूँकि डॉक्टर भी थे वहाँ पर, तो सारा चीज़ चेकअप कर रहे थे वहीं बैठे बैठे, तो पॉलिटिकल कोई गपशप नहीं हुआ। पिछले कुछ महीने से रिम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जो जारी होता था कल हर शनिवार को डॉक्टर साहब के तरफ से, कुछ दिन से जारी नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं चला लालू की अभी तबीयत कैसी है। देखिए, तबीयत तो जो अभी तत्काल हम जो देखे वो काफ़ी ख़राब हो, और डॉक्टर किस परिस्थिति में अपना बयान नहीं दिए ये तो रिम्स के जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी हैं या डॉक्टर, वो बता सकते हैं, उनके बारे में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पॉलिटिकल आदमी है और जो टाइम निर्धारित है उसी के तहत मिलना जुलना है। वो तो विशेष तो हमारे सारे डॉक्टर से या जो पदाधिकारी हैं, उनके चैनल हैं, जो भी लोग हैं, तो उनसे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है। डॉक्टर में क्या कहा था इसके बारे में? उनके किडनी है, शुगर लेवल भी बढ़ा रहता है, ये सब आपको क्या बताया? डॉक्टर हमको नहीं बताया, डॉक्टर लालू प्रसाद से बातचीत की, और क्या दोनों आपस में बातचीत किए, क्योंकि चादर ओढ़ के लालू प्रसाद जी सो रहे हैं और थोड़ा सा मुँह निकाल के बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, काफ़ी धीरे धीरे, तो लगा कि एक अच्छा लीडर जो लोहिया जी के टक्कर का लीडर है और इतना अस्वस्थ और धीरे धीरे बोलना हम पहली बार जीवन में देखे हैं। 1981 में लालू प्रसाद यादव के हम गए थे और 81 से वहीं पर उन्हीं के आशीर्वाद से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और 30 साल लगातार विधानसभा में रहे, बिहार विधानसभा में, और उसमें मंत्री भी रहे उनके आशीर्वाद से, तो झारखंड में भी हम मिनिस्टर थे, उसमें बिहार और झारखंड एक था तब, तो दो बार हमको मौका मिला था, 3 बार मंत्री बने थे, मगर 2 बार हमको मिला था इंडस्ट्री मिनिस्टर और एक्साइज मंत्री में, वो झारखंड बिहार उसमें एक था। तो ये है कि ये ऐसा हम कभी नहीं देखे, इसीलिए हमने न्यायालय से अनुरोध किया, हाथ जोड़ कर अनुरोध किया कि उन पर कंसीडर किया जाए। ठंड से ठंड भी काफ़ी पड़ता है, हम देखे नहीं चूँकि चादर से ढका हुआ है ना, लेटे हुए चादर से ढका हुआ है, तो उघार के हम कैसे देखें। झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है राजद क्या स्थिति रहेगी? झारखंड में इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो आज तक के अभी तक के हम आपको सूचना दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, कई जगह ही जीतने जा रहा है, और इस बार लगता है कि बीजेपी पुनः वापसी नहीं हो, क्योंकि वैसी को लाया है सब लॉन्च करके, अभी जमशेदपुर में हो वैसी, अब वैसी क्या बयान बोलता है, हो सकता है अगर कुछ गलत बयानी कर देगा। झारखंड में चुनाव जीत के लिए कितना हम लोग लड़ ही रहे हैं, कई सीट पर गठबंधन तो अध्यक्ष जी जितना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी मिलकर जितना टिकट दिए हमें उतने नहीं जीत के दावा करेंगे, उससे आगे कैसे बढ़ जाएंगे गठबंधन में। तो हम तो सारे सीट पर जीत रहे हैं, जिन पर जितना पर लड़ रहे हैं, थोड़ी बोलेंगे कि हमारा कोई नुकसान होने जा रहा है, सभी सीट पर जीतने जा रहे हैं पक्का। चरण में
तीनों जगह जीतेगा, तीनों जगह जीतेगा। तो सुना आपने, राजद विधायक सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। लालू यादव की तबीयत सच में ठीक नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, बात करने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।